एक पासे जिथे पंजाब दीआं चोणां दे लई बहुत थोड़ा समा बाकी रह गया है, उत्थे ही हुण हर रोज किते ना किते धरने प्रदर्शन होने शुरू हो गए ने। इस लड़ी दे तहत अज पंजाब रोडवेज पनबस कॉन्ट्रैक्टर यूनियन वल्लों अपनियां मंगां दे चलदिआं अज 3 दिनां दे लई बसां दा चक्का जाम कर दिता गया है, जिस कारण मुसाफरां नूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पै रिहा है। चक्का जाम प्रति जानकारी दिंदिया यूनियन दे आगुआं ने दस्सिया कि पंजाब सरकार वल्लों उन्हां दीआं हक्की मंगां पिछले कई सालां तों लटकाईआं जांदीआं ने। उन्हां दस्सिया कि पंजाब सरकार वल्लों उन्हां दे नाल वार-वार मीटिंगां करके फिर मुकरिया जा रिहा, जिस दे चलदिआं उन्हां वल्लों मजबूरन अज 3 दिनां दे लई बसां दा चक्का जाम कर दित्ता गया है। उन्हां कहा कि जेकर पंजाब सरकार ने उन्हां दीआं जल्द मंगां ना मन्निया तां आउण वाले समें दे विच अणमिथे समें लई वी बसां दा चक्का जाम कीता जा सकदा है। जी मैं पंजाब रोडवेज पनबस कनैक्ट यूनियन अमीत सीनियर अमीत प्रधान जी तो सुखप्रीत सिंह, असी जिहड़े भी अज्ज इस हड़ताल से बैठे हाँ, सरकार ने अज तो 5 साल पहले जिहड़े वादे किए थे घर घर नौकरी देंगे, सानू 13-14 साल हो गए ने, तो सरकार ने लारे लप्पियां वे सानू कुछ नहीं मिल रहा, जो कि साडी मैक्सीम तनखा 10 to 12 हज़ार आउंदी आ, जिस घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल आ। इन्हां सरकारां दे माड़ियां नीतियां करके ये ट्रांसपोर्ट नू प्राइवेट घराणियां नू वेचना चाहुंदे आ, जिहदे रोस वजों असीं 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल की है, अते कल नू कैप्टन दे पटियाला विच जा के रोस मार्च किया जाऊगा, अते उहदे महिलां नू चढ़ाई की जाऊगी, जो कि उहदे जिम्मेवार खुद सरकारां खुद ने वह कोई हल नहीं कर रही, जो सानू रोस वजों यह सारा कुछ बंद करके अपना रोस प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो सरकारां दे जूं नहीं खड़क रही। असी हजे भी कहने कि सरकार सानू साढ़े बंद हक देन, कच्चे मुलाजम पक्के करन, बंद की तनखा दी जाए जो कि उन्हों का घरेलू खर्चा वधिया चल सके 10-12 हज़ार, से जो भी वर्कर काम कर रहा है उन्होंने महंगाई में अपने घर का काम चोना बहुत औखा लग रहा है, पर सरकार आप दे लई तां सारा कुछ कर रही हैं, कोई तो जाके शिमले बह गया आपो अपने कैप्टन साहब का 5 सालों च इतने मूँह नहीं दिखाया, घर घर वादा करके किसी को नौकरी नहीं दी, आपके चहेतियां ये नौकरियां दे रहे हैं जिन्हों का करोड़ों का बिजनेस है महीने का। जी मैं जगदीप सिंह पनबस कनैक्ट वर्कर यूनियन सब डिपो जीरा का प्रधान, तो असी आ 3 दिन का जो हड़ताल रखी हुई है ये अज तो 5 साल हो गया कैप्टन सरकार को, इन्होंने कोई भी वादा नहीं पूरा किया, जिहड़ा घर घर नौकरी का वादा सी किसी अज तक नौकरी नहीं दी इन्होंने, तो असी जो भी अगे तो पहला तो हड़ताल करते आ रहे हैं सानू मीटिंग दे के मंत्री भजदे आ, असी मंत्री भजदे आ मीटिंग दे के, असी हुण 29 तरीक का प्रोग्राम रख्या होया पटियाले का कल नू, जे साडी कल नू भी कोई गल नहीं सुनते तो असी आने वाले समय के अणमिथे की हड़ताल से भी जा सकते हैं। इस समय बस स्टैंड जीरा विखे बस का इंतजार करती एक बुजुर्ग औरत ने दसिया कि अज हड़ताल होने के चलते उन्होंने भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पिंड जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। गुरदीप कौर कितों के रहने वाले हो? असी जोगी वाले। क्या कितने जाना सी तुसी? करे अपने बस स्टैंड आए हो कि कल बस नहीं मिली? नहीं मिली। की कारण है? हड़ताल आज कहते। कितनी को परेशानी का सामना करना पै रहा है? बहुत ज्यादा। जीरा तो सतीश विज की रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।